जय श्री महाकाल, जय माता रानी की। आप सभी का माता रानी कल्याण करें और आप सभी को सुखी रखें। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किसी भी शक्ति का आह्वान कैसे करें। आप मंत्र जप के थक गए हैं, आपने बहुत से मंत्रों का जप किया है, ऐसा ही करण पिशाचनी है, यक्षिणी है, लेकिन फिर भी आप थक गए कि अभी वो शक्ति है वो आप तक नहीं पहुँच रही है, आप तक नहीं आ रही है, तो उसको कैसे बुलाएं, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। आपसे निवेदन है, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। हमारे चैनल पर हम जो भी तंत्र मंत्र से संबंधित है, ध्यान योग से संबंधित है, अन्य सारी बहुत सारी जानकारियां हैं, जो धार्मिक जानकारियां हैं वो हम देते हैं और देते रहेंगे। बात करते हैं किसी शक्ति का आह्वान करने की। जैसे मान लीजिए आपको करण पिशाचनी की साधना करनी है, या आप कर रहे हैं, आपने मंत्र बहुत समय से जप रहे हैं, आपको लग रहा है कि अभी मंत्र तो बहुत सारा जप हो गया है, 10-15 दिन हो गए हैं, 20 दिन हो गए हैं, किसी को महीने भी हो गए हैं, लेकिन उस शक्ति को बुलाए कैसे, उनसे वार्तालाप कैसे करें, तो उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना है। आपको पूरी इसमें जानकारी देंगे। आप किसी भी करण पिशाचनी या यक्षिणी का मंत्र जप कर रहे हैं, आपको कुछ भी अनुभव हुआ है या नहीं हुआ है, जो कितने दिन से कर रहे वो स्वयं आप जाने, लेकिन आप इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप कौन सी जगह उस मंत्र का जप कर रहे हैं। घर में कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, खेत में कर रहे हैं, नदी के किनारे, शमशान में, कहाँ पे कर रहे हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है, यानी स्थान विशेष का। आप स्थान विशेष का ध्यान रख रहे हैं, आपने 10-15 दिन करण पिशाचनी का मंत्र जप लिया या यक्षिणी का मंत्र जप किया है, उसमें भी आपको समय का ध्यान रखना है कि आपने कितना जप किया है, 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, कितना किया है, और उसके बाद में उस बात का भी ध्यान रखना है कि आपने मंत्र जप किया तब किस प्रकार से उनका मंत्र जप किया था, उनका आह्वान कैसे किया था, दीपक जलाया था या केवल अगरबत्ती चलाई थी, कोई भोग रखा था इतने दिनों में, या कुछ आपने फूल वगैरह कोई रखे थे, क्या क्या रखा था, ये भी आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए शायद आपने कुछ नहीं रखा और केवल मंत्र जप ही कर रहे हैं, और आप घंटे भर ही कर रहे हैं या आधे घंटे ही कर रहे हैं, आपको 10-15 दिन हो गए हैं, तो अगर आप यक्षिणी से बात करना चाहते हैं तो आप सही इतने दिन सही घर में कर रहे थे या किसी एकांत कमरे में कर रहे थे या कहीं भी कर रहे थे, और अब आपको लगता है कि हम थक गए हैं, शक्ति को कैसे बुलाया जाए, तो सबसे पहले आपसे कहना चाहूँगा कि आपके पास में अगर कोई इष्ट शक्ति का थोड़ा बहुत भी अन्य कोई इष्ट शक्ति का आह्वान है तो बेहतर रहेगा, क्योंकि जब ऐसी शक्तियों का आह्वान करेंगे तो हो सकता है कि आपकी कोई सुरक्षा ना होते हुए ये शक्ति आप पर हावी हो जाए और आपको आपके दिमाग पर, आपके शरीर के अंदर घुस जाए, आपकी बॉडी में घुस जाए और ये आपको क्या से क्या करवा दे, ये वो शक्ति जानती है क्योंकि वो पावरफुल होती हैं। तो आपको क्या करना है कि अपने इष्ट को समझना है या फिर गुरु मंत्र को समझना है, आपको ये सब समझने के बाद में उस शक्ति का आह्वान करने के लिए किसी एकांत जगह में जाना होगा, उस दिन घर पे नहीं रहना है। हो सकता है आपके घर पे, अगर आपके घर पे कोई नहीं है तो आपको फिर सत का कोई कमरा है तो वहाँ पे रात्रिकालीन में जाना है, या फिर ज़्यादा भीड़ भाड़ का या घर का है तो फिर आपको बाहर जाना है, जहाँ पर आपको कोई एकांत में, जंगल में जो पुराने खंडर वगैरह होते हैं कहीं ना कहीं मिल जाते हैं आराम से, कि जंगली, ज़्यादा जंगली क्षेत्र हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कोई खंडर है या कोई गुफा है, ऐसी जगह है जहाँ पे आप शक्ति का आह्वान करना चाहते हैं, उससे प्रत्यक्ष होना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको जाना है। वहाँ पे जाने के बाद में आपको क्या करना है, घर से ही आप जहाँ से जाते हैं वहाँ से सामान वगैरह, अपने इष्ट माला वगैरह, गुरु मंत्र की कोई भी माला है या वो सब लेना है, उनके लिए भोग वगैरह भी लेने हैं, कोई मिष्ठान का भोग है 2-4 प्रकार से हैं, या आप तामसिक प्रयोग में कर रहे हैं तो मांस मदिरा का भी चलेगा, ये मांस मदिरा और मिष्ठान दोनों ही अलग अलग हैं, जो भोग, दोनों प्रकार के भोग लेके जाना, क्योंकि उस समय शक्ति होती है, जिस समय शक्ति होती है
उसका आह्वान करते वो हो सकता है कि माश मदिरा का भोग ना ले, या हो सकता है कि वो मीठा भोग ना ले, तो इसलिए दोनों भोग रखने हैं, क्योंकि उससे पहले तो आप उनसे कभी संपर्क में आए नहीं या आपसे मिले नहीं, तो आपको उस प्रकार से ये दोनों ही प्रकार की सामग्री लेनी है। और अपने दीपक के लिए कुछ घी है, तेल है, जो भी आप लेना चाहते हैं वो लेके जाना है। दीपक मिट्टी का अच्छा बड़ा सा लेके जाना है, क्योंकि आप शक्ति का आह्वान कर रहे हैं। और जब भी जाते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपको इलेक्ट्रिक, विशेषकर इलेक्ट्रिक साधन साथ में नहीं रखना है, चाहे मोबाइल वगैरह हैं, आप वैसे रख सकते हैं, लेकिन आप कहीं अन्य जगह में वहाँ जाने के बाद में साइड में कहीं रख दीजिएगा, क्योंकि इस जो भी इलेक्ट्रिक सामान वगैरह आपके पास में होंगे, मोबाइल वगैरह, तो आपका बार बार मन भटकेगा वगैरह, तो उनको बंद करके साइड में रखना है। टॉर्च वगैरह आपके पास में जो भी है वो आपको साइड में रखना है, और आपको उस समय केवल उसी शक्ति का आह्वान करना, बाकी किसी को भी आह्वान नहीं करना है। आपके पास में पानी का कुछ पात्र होना चाहिए, क्योंकि पानी एक विशेष चीज है। अगर कोई भी शक्ति ज़्यादा हावी होती है तो पानी के छिड़काव से वो शक्ति है, विशेषकर ब्लैक मैजिक की शक्ति है, तो वो किसी इष्ट के नाम से अगर पानी छिड़क देते हैं तो वो थोड़ी हट जाती है, इस बात का ध्यान रखना है। पानी का पात्र वगैरह अपने पीने के लिए भी रखेंगे तो बेहतर रहेगा। वहाँ जाना है आपको रात्रिकालीन में, आप रात्रिकालीन में कभी भी 9 बजे के बाद में जाइएगा और अपनी साधना स्टार्ट कीजिएगा। आपको उस रात्रि में, पूरी रात्रि में आपको उस शक्ति का केवल आह्वान करना, केवल उसको बुलाना है उस मंत्र के साथ में, जैसे मंत्र जप करते उसके बाद में आपको कहना है आप आइए, आप आइए, आपका मुझे इंतज़ार है, या मुझे आपको मिलना है। जैसी भी आप उनसे अपने मन से प्रार्थना करना चाहते हैं वैसी उनकी प्रार्थना कीजिएगा। हो सकता है आपकी शक्ति है वो, अगर आपने इतने दिन माला की है सही ढंग से, तो हो सकता है कि 5-10 मिनट में ही आ जाए, या हो सकता है कि कुछ अनुभव करवा के वापस चली जाए, या हो सकता है कि 2 घंटे इंतज़ार के बाद में अचानक आ जाए। अलग अलग उसके रवैये होते हैं, तो इस प्रकार से उनका आह्वान करना है। अगर मान लीजिए आप गए और पहले दिन 2 घंटे 5 घंटे बैठे, आप रात्रि 9 बजे गए थे, आप रात्रि में सुबह 4 बजे तक ये प्रयोग करना है, जब तक नहीं आती तब 4 बजे तक नहीं उठना है, 4 बजे तक उसका आह्वान करना है। अगर 20 में आती है तो अच्छी बात है कि भाई 12 बजे 12:30 बजे तक, 1 बजे तक जब भी आती है अच्छी बात है, लेकिन नहीं आती है तो रात्रि में आपको 4 बजे तक उसका, 20-20 में आपको अगर प्यास लगे तो पानी पी सकते हैं, लेकिन आपको उसी जगह पर बैठे बैठे उसका इंतज़ार करना है, उस शक्ति का आह्वान करना, उसका जप करना है, और माइंडली तौर पर पूरा ही उसमें ध्यान लगाना है। अगर ऐसा करेंगे तो 100% के तौर पर वो शक्ति है ज़रूर आपके साथ में आएगी और आपके साथ जुड़ेगी, और आपसे प्रत्यक्ष भी हो सकती है, आपसे वार्तालाप भी कर सकती है, आपको आवाज़ भी दे सकती है, या आपके आसपास में ऐसा कोई बवंडर भी खड़ा कर सकती है। लेकिन जब भी शक्ति होती है तो उसमें क्या होता है कि इन शक्तियों का आगमन जब भी होता है ना, तो इनका प्रभाव बहुत भयंकर तरीके से होता है। उसमें डरना नहीं है, डरना मना है बिल्कुल ही, डर गए तो मर गए, आपको वो जगह नहीं छोड़नी है, उस शक्ति की रक्षा मांगनी है। बस आपको उसी शक्ति से बोलना है कि आप मेरी रक्षा करो, मैं तो आपसे मिलना चाहता हूँ, आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, मैं आपका भगत हूँ, जो भी आप उनसे विनती करना चाहते हैं अपने मन से करना। आपको मन में ये कभी भी संशय नहीं रखना है कि ये शक्ति आएगी यार मुझे एक्सेप्ट करेगी या मुझे मारेगी या क्या करेगी। अगर आपके मन में कोई संशय है तो फिर वो शक्ति क्या है, वो आप तक पहुंचने में एक तो देरी करेगी, और जब भी पहुंचेगी तो आपकी जो एक्टिविटीज़ को देख के वो आपके साथ में, जैसे ही आप उसके साथ में एक परायेपन की भावना रखते हैं मन में, वैसे ही वो भी रखते हुए वापस चल जाएगी। शक्तियों से जुड़ने के लिए क्या करना पड़ता है कि मन का विश्वास है ना, वो उन शक्ति के साथ में पूरा जोड़ना पड़ता है। जब आप कोई भी मंत्र जप करते हैं तो उसकी आँखें बंद करके अपना ध्यान लगाते हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी से पीछे के रीढ़ की हड्डी से ठीक ऊपर तक, यानी अपनी
अपनी जहाँ पे छोटी होती है ना, यहाँ से नीचे मूलाधार चक्र पूरी तरंग चलती है जब आप सही ढंग से अगर मंत्र जप करते हैं तो। इस बात का ध्यान रखना आप, अगर आप सही ढंग से अगर उस शक्ति का मंत्र जप कर रहे हैं या ध्यान योग के साथ में कर रहे हैं तो पूरी रीढ़ की हड्डी पर तरंग चलती रहती है, और उस समय आपको एहसास होता है कि आप कहीं एक जगह पर स्थिर नहीं बैठे, जबकि आपको कोई और विचलित दुनिया में आप जैसे घूम रहे या ज़मीन से ऊपर बैठे हैं, ऐसे महसूस होता है। तब आप समझो कि आपका ध्यान भी सही लग रहा है और आपका जप भी सही हो रहा है। ये एक मैंने आपको नॉर्मली तरीका बताया मंत्र जप करते हुए कैसे उसमें महसूस करना है। ऐसे नहीं कि आप भागते भागते कैसे भी करना है कि 5 माला गुरु ने कहा है या 51 माला कहा है, फटाफट 2 घंटे में करके निपटा लेते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो ज़िंदगी भर में निपटते ही रहेंगे, कुछ नहीं होगा। शक्तियाँ हैं यार, शक्तियों से जुड़ना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे ही हर कोई कहने से अगर शक्ति से जुड़ जाता है तो आज हर इंसान के पास में बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं और हर कोई किसी पर हावी होने के लिए तैयार होता, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे अनुभव के तौर पर हम आपको जो बता रहे हैं कुछ सच बता रहे हैं। अगर मान लीजिए आप वहाँ पे गए हैं और उस शक्ति का आह्वान किया, आपको पहले दिन कुछ भी महसूस नहीं हुआ, दूसरे दिन भी कीजिएगा। दूसरे दिन नहीं करेंगे तो फिर तीसरे दिन तो उस शक्ति को आना ही, अगर आपकी सच्ची साधना है तो उस तीसरा दिन आपसे कोई नहीं छीन सकता है। ये उन शक्तियों को बुलाने का एक विशेष तरीका होता है, लेकिन उसमें क्या है, जो भी दीपक वगैरह वो आपको जलते रहना चाहिए। उसमें उनका भोग फूल वगैरह उस समय जहाँ पे बैठते हैं वहाँ की जगह वगैरह विशेष बना के, पूजा पाठ का एक विशेष तरीका बना के वहाँ पे ये सारे प्रयोग करने हैं। और जब भी जाए तब ऐसे नहीं कि आप किसी और को साथ में लेके जा रहे हैं या वो उसका कोई रक्षा सूत्र नहीं है या उसको लेके जा रहे हैं कि तू यहाँ पे बैठना, कैमरे से फ़ोटो खींचना, कोई आए तो देखना, वीडियो रिकॉर्ड करना। अगर ऐसे कभी कुछ किया ना तो उसमें बुरा प्रभाव हो सकता है, क्योंकि बहुत से लोगों का आजकल का एक फैशन चल रहा है कि हर कहीं जा बैठते हैं वहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग कर देते हैं। आजकल YouTube पर बहुत सिद्ध कर रहे हैं, उनको देखो कि हकीकत दुनिया क्या है और तुम्हारे वीडियो में क्या है। इसलिए समझा करो और शक्तियों से जुड़ने का एक तरीका अपनाओ, साधना करने का तरीका अपनाओ, वही बेहतर रहेगा। जय श्री महाकाल।